पर राष्ट्रीय शासक हिंदू महासंघ एवं बालाजी जनसेवा समिति ने जरूरतमंद को कंबल किए वितरण। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कोडोड स्थित बालाजी मंदिर हंस वाली कोठी पर आज दिनांक 22/12/2020 को राष्ट्रीय शासक हिंदू महासंघ एवं श्री बालाजी जनसेवा समिति की ओर से संकट मोचन श्री बालाजी दरबार हंस वाली कोठी पर दोपहर 2 बजे सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बालाजी दरबार के महंत पंकज बाबू, जिलाध्यक्ष हिंदू महासंघ दुष्यंत यादव, जिला महामंत्री अखिलेश गुप्ता, विकास गुप्ता, विशाल सक्सेना, जिला मीडिया प्रभारी आदि सभी का सहयोग रहा। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत पंकज बाबू द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरा नाम महंत पंकज बाबू है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव हिंदू महासंघ मुरादाबाद। क्या कार्यक्रम? आज हमने राष्ट्रीय सचिव हिंदू महासंघ की ओर से संक्रमण श्री बालाजी दरबार प्राचीन बाबा के मंदिर के बाहर गरीब भाइयों में कंबलों का वितरण किया गया। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सरकार की तरफ से कंबल बांटे जा रहे हैं, लेकिन हमने संगठन की ओर से सब भाइयों ने अपने आपस में पैसे इकट्ठे करके आज सब में कंबल का वितरण किया गया। क्या कहना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए जो सड़कों में पड़े हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार द्वारा किए जाए? आदरणीय योगी महाराज जी के द्वारा तो बहुत सख्त आदेश हैं कि राजाइए कंबल बांटे जाएँ, बट भी रहे हैं। और मेरी सोच तो यही है कि जो सामाजिक संगठन है और भी संगठन है तो ये आपस में भी जो है संगठन पैसे इकट्ठे करें, बांटें, आपस में बांटें। हम लोगों ने अभी स्टेशन में चाय पिला के आया था कुछ दिन पहले और बराबर निरंतर चाय पिलाई जा रही है हमारी संगठन की ओर से और कंबल यही बांटी जा रही है। और हम कल या परसों रेलवे स्टेशन के आसपास भी कंबल बांटने जाएंगे। ठंड पड़ रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार अलाव को लेकर जो लगाया जल्द? भाई अलाव तो मेरी नहीं, हम तो काफ़ी चौराहे पर जल रहे हैं और जहाँ नहीं जल रहे हैं वो सरकार को जलाना चाहिए। जिला प्रधान को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ अलाव जल रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जल रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं जल रहे हैं वहाँ व्यवस्था माननी चाहिए। और कुछ अगर भाई ऐसे भी हैं ना कंबल प्राप्त नहीं हो रहा है, उनको भी जिला यानी उनको कंबल देने चाहिए। भाई ठंड तो काफ़ी कड़ाके पड़ रही है। कितने कंबल का आयोजन किया आज? 40-50 कंबल हमने बांटे हैं।